हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एडमिशन प्रोसेस फॉर फर्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज 2024। प्रोसेस डिस्कस करने से पहले हम यूनिवर्सिटी का जो सर्कुलर आया है पहले वो समझ लेते हैं। तो ये सर्कुलर कहता है कि जो भी कॉलेजेस है जो मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, वेदर वो ऑटोनोमस कॉलेजेस हो या नॉर्मल कॉलेजेस हो, और वो ये कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जिसमें बेसिकली बीकॉम, बैफ, बीएमएस, बीबीआई, तो ये सारे जो कोर्सेज यहाँ पर मेंशन किए गए, अगर ये सारे कोर्सेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो स्टूडेंट्स को जो है वो ये शेड्यूल जो है वो फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में ये शेड्यूल पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद प्री एडमिशन ऑनलाइन एनरोलमेंट कैसे करना है उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शेड्यूल में देखेंगे आप कि यहाँ पर आपको दो चीज़ें करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले जो फॉर्म का फिलिंग है वो 25 मई से लेकर 10 जून तक ओपन है। इस बीच आप कभी भी क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि जिसने पहले फॉर्म फिल कर दिया उसको जल्दी से एडमिशन हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। तो प्लीज़ घाई मत कीजिए ये करने का, प्रॉपरली प्रोसीजर समझिए और स्टेप बाय स्टेप आप अपना फॉर्म फिल करें, ठीक है। 10th तक सबका फॉर्म फिल होने के बाद ही अलॉटमेंट होगा कॉलेजेस का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर देखिए, पहले कहा गया है सेल ऑफ एडमिशन फॉर्म। अब जब भी आपको किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन लेना है कॉलेजेस में, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि आपको दो जगह पर फॉर्म फिल करना है। पहले तो जो भी कॉलेज में आप एनरोल होना चाहते हैं उन कॉलेज के वेबसाइट पर आप फॉर्म देख पाएंगे उस कोर्स का, राइट। तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म फिल करना है, और उसके साथ साथ जो है वो आपको प्री एडमिशन ऑनलाइन एनरोलमेंट करना है, जो कि आपको यूनिवर्सिटी के ये वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, राइट, मुंबई MU UG एडमिशन समर edu.in पर, ओके। तो ये PDF भी मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो दोनों फॉर्म्स है आप देख रहे हो, इन दोनों के डेट्स देखिए 25 मई से लेकर 10th जून आफ्टरनून 1 PM तक है, तो तब तक आप जो है वो इसे कंप्लीट कर सकते हो। अब कॉलेजेस के लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको बीकॉम के लिए एनरोल करना है और आप चाहते हो कि मुझे 3 कॉलेजेस में फॉर्म फिल करना है आपके जो भी प्रेफरेंशियल कॉलेजेस है उसमें से, तो आपको उन तीनों कॉलेजेस के वेबसाइट पर जाकर उनके जो फॉर्म होंगे उनको फिल करना होगा। उसके साथ साथ आपको जो है वो ये प्री एडमिशन ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म कंपलसरीली फिल करना है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर, ओके। तो ये जो कॉमन फॉर्म है जो सभी को फिल करना है, वो कैसे फिल करना है वो हम आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए फॉर्म डिस्कशन शुरू करते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ ये शेड्यूल देखिए, 10th तक आपका जब फॉर्म फिलिंग हो जाता है उसके बाद आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 13 जून को लगेगा 5 बजे तक। ये जो मेरिट लिस्ट है वो आप कॉलेज के वेबसाइट पर, जहां पर भी आपने फॉर्म फिल किया है उस कॉलेज के वेबसाइट पर आपको ये मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, वहां पर आप अपना नाम देख पाएंगे। तो उसके बाद आप जो है वो वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स और ऑनलाइन पेमेंट जो है वो करेंगे फीस का, ठीक है। इसके लिए आपको टाइम दिया गया है 14th जून से लेकर 20th जून। 20th जून के बाद अगेन आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट लगेगा आपका 21st जून को, उसके बाद वो भी आपको कॉलेज के वेबसाइट पर जाकर चेक करना है, वहाँ पर आपका नाम अगर अलॉट होता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके उसकी फीस पेमेंट करनी है। उसके बाद थर्ड जो ये होगा मेरिट लिस्ट वो डिस्प्ले होगा 28th जून को, राइट, इवनिंग 5 PM तक। अगेन उसके वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको 29th जून से लेकर 3rd जुलाई तक का टाइम दिया जाएगा, ओके। उसके बाद 4th जुलाई को आपका जो है वो ओरिएंटेशन और कॉलेजेस जो है वो जनरली स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर कोई प्रोसीजर हुआ और आपका तीनों मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो उसके रिलेटेड यूनिवर्सिटी सर्कुलर नोटिस प्रोवाइड करेगी। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रोसेस फॉर प्री एडमिशन ऑनलाइन एनरोलमेंट। अब इस एनरोलमेंट को जो है वो आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर करना है। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट की लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी है, आप वहाँ से भी डायरेक्टली वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अब वहाँ पर आपको जाकर 4 चीज़ें कंप्लीट करनी है। फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन, सेकंड फिल द प्रोफाइल डिटेल्स, सिलेक्शन करना है प्रोग्राम का, और लास्ट में है डिक्लेरेशन। तो आइए इसे अभी स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हैं। अगेन आई रिपीट, उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाना है, उसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डायरेक्टली जो है वो इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जब आप वेबसाइट पर आते हो तो देखिए, इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको इस तरह से पेज दिखेगा। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर आकर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप जो है इस तरह से यहाँ पर पेज देख पाएंगे। अब यहाँ पर ये पेज में डिटेल्स फिल करने से पहले, राइट, आप कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले ही रेडी करके रख लीजिए, ये मेरा सजेशन है, बिकॉज आपको ये फॉर्म फिल करते समय इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सो आपका 10th का मार्कशीट,
ट्वेल्थ का मार्कशीट, आपका एक फोटोग्राफ राइट, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर आपका एक ब्लैंक पेज पर आप सिग्नेचर ले लीजिए एक छोटा सा, और उसे क्रॉप करके उसका एक इमेज आप रेडी रखिए। तो ये सारी चीज़ों का आपको जो है स्कैंड कॉपी आपके पास रखना है। ये चार चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपको एप्लीकेबल है तो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल है उसके लिए तो, वरना आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो राइट, या आपके पास ये सर्टिफिकेट्स है उसके बेसिस पर आपको एडमिशन लेना है, तो फिर आप जो है वो इन सर्टिफिकेट्स का भी स्कैन कॉपी साथ में रेडी रखेंगे। ओके, एक बार जैसे ही आपके ये सारे कॉपीज रेडी हो जाते हैं तो आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कीजिए, वरना फॉर्म फिल करते करते बीच में आपको जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने जाना होगा। ओके, सो एक बार आपके ये स्कैन कॉपीज रेडी हो जाते हैं तो आप जो है वो फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से डिटेल्स फिल करने के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको फुल नाम फिल कर देना है, जैसे आपके टेंथ के मार्कशीट में आप देख पाएंगे जहाँ पर आपका पहले सरनेम, आपका नाम और आपके फादर का नाम दिया होगा, तो उसी फॉर्मेट में आपको जो है वो आपका नाम लिखना है। आपका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर लिखेंगे राइट, आपका ईमेल आईडी यहाँ पे आपको देना है राइट, अगेन दो बार ईमेल आईडी आपको यहाँ पर कंफर्म भी करना होगा। उसके बाद आप पासवर्ड सेट करेंगे। पासवर्ड सेट करते समय आपको ध्यान रखिएगा कि एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि एट द रेट राइट, डॉलर का साइन, ऐसा कोई एक आपको स्पेशल कैरेक्टर आपके पासवर्ड में यूज करना है राइट। और एक हो सकता है आप कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का कॉम्बिनेशन लीजिए तो वो पासवर्ड आपका एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसा आपको एक पासवर्ड लेना है छोटा सा जो आप याद रख पाए, और उस पासवर्ड को भी आप दो बार क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। ये होने के बाद उसके नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको वहाँ पर मोबाइल नंबर के लिए ऑप्शन आएगा, तो आप अपना मोबाइल नंबर भी दो बार यहाँ पर डाल देंगे, और उसके बाद आपको एक नंबर यहाँ पर डायल करने कहा जाएगा फॉर वेरिफिकेशन। टेक्स्ट आपको जो है जो भी शो कर रहा है वो टेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या करना है टाइप कर देना है, और वो करने के बाद आप यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करोगे। ओके, जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करते हो तो फिर आपको जो है एक ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, और आपके मेल आईडी पर जो आपने प्रोवाइड किया था उस पर आपको जो है वो एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आप जो है यहाँ पे पुट कर देंगे। ओटीपी पुट करने के बाद अगेन आपको जो भी वेरिफिकेशन वहाँ पे बताएगा कोड, वो कोड वहाँ पे यहाँ पे नंबर टाइप कर दीजिए, और आपको फिर सबमिट ओटीपी पर क्लिक करना है। ओके, तो ये करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपके आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो गया है। ओके, अब उसके बाद आपका जो आईडी और पासवर्ड है, पासवर्ड जो आपने सेट किया, और आईडी के जगह पे आपको ईमेल आईडी आपका यूज करना है। अब आपको आ जाना है यहाँ पर लॉगिन पर राइट, तो अगेन आप ओरिजिनल वेबसाइट पर ही आ जाओगे, और वहां पर अभी आप क्या करेंगे लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो हो गया है, अब हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर डिटेल्स फिल करने के लिए बोलेंगे, तो वहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी पुट करना है, और जो हमने पासवर्ड अभी सेट किया था वो पासवर्ड आप यहाँ पर पुट करेंगे। वो करने के बाद अगेन जो यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के लिए टेक्स्ट कहा होगा वो टेक्स्ट आप टाइप कीजिए, और उसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। ओके, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको वो जो है वो इस तरह से पेज पर शो करेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया होगा, उसके बाद आपको प्रोफाइल डिटेल फिल करना है, सब प्रोग्राम सिलेक्शन करना है और डिक्लेरेशन करना है। तब उसके लिए यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर प्रोफाइल आप देख पाएंगे, उस प्रोफाइल पर आप क्या करेंगे क्लिक करेंगे, या यहाँ पर आपका नाम आया होगा वहाँ पर आप अपडेट के यहाँ पर भी बटन दबा सकते हैं। ओके, तो वो करने के बाद आपको जो है वो आपके प्रोफाइल डिटेल्स फिल करने के लिए पूछेगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रोफाइल डिटेल्स में चार ऑप्शन है जो आपको पूरा फिल करना है, प्रोफाइल डिटेल, अदर डिटेल, अपलोड्स और प्रीव्यू राइट। तो सबसे पहले प्रोफाइल डिटेल में आप स्क्रॉल करते करते नीचे एक 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 डिटेल सारा फिल करते आइए। सारा ये जो आपका बेसिक डिटेल्स है वही है, पहले आपको अपना फुल नेम लिखना है, जेंडर मेंशन करेंगे आप, नेम इन मराठी के लिए आप क्या कर सकते हो गूगल में जा सकते हो, और वहाँ पर जाके राइट ट्रांसलेट इंग्लिश टू मराठी में जाकर इंग्लिश में अपना नाम लिखिए, वहाँ पर मराठी में आपको नाम मिल जाएगा, उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ओके, उसके बाद आपको जो है वो डेट ऑफ बर्थ आपका लिखना है राइट, ऑटोमेटिकली एज आ जाएगा आपका, कुछ कुछ डिटेल्स जो है वो ऑटोमेटिकली आपके आ भी गए होंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब हमने ऑलरेडी पुट कर दिया है, तो आपको उसमें जो है वो डिटेल्स ऑलरेडी आ गए होंगे, तो बचे हुए डिटेल्स आपको फिल करना है राइट। ब्लड ग्रुप आप सिलेक्ट करेंगे, आपका रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है सिटीजन, उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। ठीक है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ के डिटेल्स डालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ सिटी जहाँ पे आपका बर्थ हुआ होगा वो आप डालेंगे राइट, कंट्री सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, उसके बाद फैमिली डिटेल्स में आपके जो डिटेल्स पूछे गए वो आपको डालने हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मदर का नेम आपका जो है वो जैसे आपके सर्टिफिकेट में नाम है, टेंथ के मार्कशीट में आप देख पाएंगे
टेंथ के रिजल्ट में आपके मम्मी का नाम जैसा जो भी स्पेलिंग होगा राइट, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपके मम्मी का नाम के साथ अगर वहाँ पे देवी या कुमारी लगाया हुआ है तो उसी तरह से आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, पुट करेंगे। ओनली फर्स्ट नेम आपको लिखना है, फुल नेम नहीं लिखना है राइट। तो मदर का फर्स्ट नेम आप लिखेंगे, फादर का फर्स्ट नेम लिखेंगे, मदर का मोबाइल नंबर, फादर का मोबाइल नंबर, और अगर आपके पास कोई एक एडिशनल नंबर है तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर के लिए आपको एक नंबर यहाँ पर पुट करना होगा। उसके बाद आप अपने फैमिली का जो इनकम है राइट, वो ब्रैकेट से यहाँ पे से सिलेक्ट कर सकते हो और वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद आप और नीचे आ जाएंगे, स्क्रोल करने पर आपको जो है वो अदर कैटेगरी और कोटा का इंफॉर्मेशन पूछेगा। तो इसमें से मोस्ट ऑफ अगर आपको कुछ भी चीज़ एप्लीकेबल अगर होती है तो वहाँ पर आप उसी हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपका यहाँ पर कुछ भी चीज़ एप्लीकेबल नहीं है तो आप वहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको जो है वो आपके हिसाब से फिल करना है। अगर आपके लिए कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल नो सिलेक्ट करोगे, और अगर कुछ एप्लीकेबल होता है तो वहाँ पर आप वहाँ पे उसका डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, उसके बाद और स्क्रॉल डाउन करने पर आप वहाँ पे एड्रेस देख पाएंगे राइट। तो एड्रेस में आपको जो है वो अपना एड्रेस के डिटेल्स डाल देने राइट। तो आपका एड्रेस यहाँ पर मेंशन करेंगे, आप पिन कोड डालेंगे, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी वही है तो उसको यहाँ पे आपको खाली जस्ट टिक मार्क कर देना है, तो सेम डिटेल्स यहाँ पर भी आपको आ जाएंगे, और नहीं आते तो आप वापस से टाइप कर दीजिए। ओके, और उसके बाद आपको जो है वो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो है वो इस तरह से पेज दिखेगा। आपका प्रोफाइल डिटेल जो फर्स्ट पार्ट है वो आपने कंप्लीट कर दिया है, अब आपको अदर डिटेल पर ले आएगा। अदर डिटेल पर अगेन अगर इसमें से आपको कुछ एप्लीकेबल होता है तो वो आप फिल करेंगे, नहीं होता तो आप नो नो सिलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेजेस के बारे में लिखने का है। तो यहाँ पे आपको जो है राइट, ये बॉक्सेस दिए होंगे कि आपको वो लैंग्वेज जो है वो रीडिंग आता है, राइटिंग आता है और स्पीकिंग आता है, तो उन तीनों को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अगर उसमें से आपको तीन दो या दो ही चीज़ आती है तो दो को टिक मार्क कीजिए। वैसे सेम वे वहाँ पे हिंदी के लिए करना है आपको, स्क्रोल डाउन करेंगे आप तो आपको इंग्लिश के लिए भी पूछेगा, और इसके अलावा अगर आपको कोई आपका लैंग्वेज आता है तो वो लैंग्वेज आप मेंशन कर सकते हो, उसमें भी रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग जो है अकॉर्डिंगली टिक मार्क करके आप जो है वो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, ये होने के बाद आप आ जाते हैं राइट, दो पार्ट हो गए आपके, अब अपलोड्स में आएंगे राइट। ये वेरीफाई करने के लिए आपको शो करेगा कि जो हमने जो अदर डिटेल्स में फिल किया है वो यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन शो कर देता है। उसके बाद जो है वो आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको अपलोड्स पर ले आएंगे। अपलोड में आपको यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर और इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे तीन ऑप्शन देंगे राइट। तो वो तीन ऑप्शन में से आपको जो है फोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना ही है। इनकम सर्टिफिकेट अगर आप नहीं भी अपलोड करोगे तो भी फॉर्म आगे प्रोसेस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपका जो फोटो और सिग्नेचर का साइज होता है जो स्कैन कॉपी, वो आपकी जो 500 KB से जो है उसकी साइज क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जब आपने मोबाइल पर या आपके कंप्यूटर पर वो आपके पास फाइल रेडी हो जाएगा तो आप सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके उस फाइल को वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और वो फाइल सिलेक्ट करते हो तो आपको इस तरह से यहाँ पे शो करेगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको वो सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको वो फाइल दिखाएगा, बट आपको उस पर स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करना है, उसके बाद वो कम्प्लीट होगा। ठीक है, स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे देखिए इस तरह से फोटो आ जाएगा, वैसे ही सिग्नेचर के लिए करेंगे तो इस तरह से सिग्नेचर भी आ जाएगा। ये दोनों हो जाने के बाद आप जो है वो नेक्स्ट प्रीव्यू पर क्लिक करते ही आपको इस तरह से पेज शो होगा, और वहाँ पर जो है वो आपको स्क्रॉल डाउन करके जो है वो यहाँ पे नीचे सबमिट एंड लॉक पर जो है वो क्लिक करना है। ओके, उसके बाद जैसे आप उस पर क्लिक करें, क्लिक करने पर आपको इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा जहाँ पर अब यहाँ पे आपको देखिए टिक मार्क करना है इसके ऊपर, और कन्फर्म एंड लॉक पर जो है वो आप क्लिक करेंगे। ठीक है, कन्फर्म यहाँ पे टिक करना है, और उसके बाद आप यहाँ पे कंफर्म एंड लॉक पर क्लिक कीजिए तो फिर आपका जो डेटा है वो लॉक हो जाएगा। और उसके बाद आप अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाते हो जहाँ पर आपको अभी जो है प्रोग्राम सिलेक्शन करना है। प्रोग्राम सिलेक्शन के इस प्रोसेस में आपको यहाँ पर सबसे पहले आपका प्रोग्राम का लेवल सिलेक्ट करना होगा। ठीक है राइट, और प्रोग्राम कौन सा करना है वो, तो प्रोग्राम लेवल में जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे, सो प्रोग्राम ऑप्शन में आप प्रोग्राम सिलेक्शन में आप यहाँ पर देख पाएंगे टोटल आपको जो है वो यहाँ पर 7 ऑप्शन है राइट, जो आपको फिल करके कंप्लीट करने हैं, और लास्ट में आपका डिक्लेरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर ये 7 कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले जो है वो आपको प्रोग्राम लेवल सिलेक्ट करना है आपका, जहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन है बैचलर्स, वो सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है आपका प्रोग्राम नेम सिलेक्ट करना है, जो भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है लाइक बाई बी कॉम है तो बैचलर इन कॉमर्स, बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, बैफ है, तो आप उसी हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। और अगर उसमें आपको ऑटोनोमस कॉलेजेस में जाना है तो
तो आप उस कॉलेज कोर्स के नाम के आगे ऑटोनॉमस दिया होगा उसमें सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह से यहाँ पर मैं जो है वो बैचलर इन कॉमर्स का एक कोर्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है वो आपको बैचलर इन कॉमर्स के जो कॉलेजेस है वो यहाँ पर लिस्ट पूरा शो करेगा। अब इसमें से आपको जो है जो कॉलेजेस में आपको जाना है उन कॉलेजेस को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हो और अपना एक प्रिफरेंस दे सकते हो, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस का नाम है, राइट, अराउंड 300 कॉलेजेस का नाम यहाँ पर आप बीकॉम के लिए देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं 370-380 नाम है। तो यहाँ पे मैं एक रत्नम कॉलेज का नाम दे देता हूँ और यहाँ पे मुझे उसको फर्स्ट प्रिफरेंस देना है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रिफरेंस सिलेक्ट कर देता हूँ। 2-3 सेकंड क्लिक कर छोड़ने के बाद 2-3 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली वहाँ पर शो होगा, ठीक है। उसके बाद और एक कॉलेज का नाम लेता हूँ जो मेरे लोकेलिटी में, तो वहाँ पर मैं उसका नाम डाल देता हूँ और उसको मैं सेकंड प्रेफरेंस देना चाहता हूँ, तो वहाँ पे मैं उसको सेकंड सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अगेन 2-3 सेकंड का ऑटोमेटिकली वहाँ पर वो सेकंड प्रेफरेंस करके शो होगा, ठीक है। वो होने का अब मुझे अगर मुझे और भी कॉलेज फिल करना है तो मैं और भी कॉलेज फिल कर सकता हूँ, अगर 3 करना है 4 करना है तो अकॉर्डिंगली मैं वहाँ पर 3rd preference 4th preference दे सकता हूँ। यहाँ पर मैं जो है वो आपको 2 ही कॉलेजेस फिल कर रहा हूँ और वो करने का मैं प्रोसीड कर देता हूँ। प्रोसीड करता हूँ तो यहाँ पर इस तरह से मुझे शो करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमने 2 कॉलेजेस सिलेक्ट किए, फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस यहाँ पर हमें शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है मेरे सारे डिटेल्स यहाँ पर मुझे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे सारे डिटेल्स जो अब तक हमने फिल किए वो शो हो रहा है। अगेन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको एक दिखाया जाएगा एकेडमिक डिटेल्स फिल करने के लिए, तो पहले यहाँ पे इस पे क्लिक करना है आपको, राइट, वो ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद अब हमारे 10th और 12th के जो डिटेल्स है वो सारे यहाँ पर फिल करने हैं। अब डिटेल्स में देखिए आपका पासिंग 10th का पासिंग ईयर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आपके स्कूल का नाम क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, राइट। तो आप अपने स्कूल का नाम वहाँ पे लिख देंगे, जो भी आपके स्कूल का नाम होगा वो आपको वहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद वो होने के बाद आप स्कूल का नाम लिख देंगे, उसके बाद जो है वो आपको यूनिवर्सिटी का आपका जो नाम है, जैसा अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड थे तो स्टेट बोर्ड का नाम आ जाएगा, आप अपना सीट नंबर यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद आपको जो है वो डिवीजन यानी फर्स्ट क्लास मिला था सेकंड क्लास मिला था वो जो है वहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये डिटेल जो है वो फिल करना है फॉर योर 10th मार्क्स, ओके। वो हो जाने के बाद आपका जैसे वो सिलेक्शन हो जाता है तो आप नेक्स्ट पर इस पर आ जाएंगे। डिटेल में आपको जो है वो परसेंटेज लिखना है, यहाँ पे आप अपना परसेंटेज मेंशन कर देंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में एज सच अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो ये प्रोसेस होगा नहीं, तो हम कुछ भी अपना जो सब्जेक्ट सेकंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज रहा होगा वो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है, राइट। अगर बाद में इन केस कॉलेज में जाने के बाद अगर वो कुछ कहते हैं तो आप एडिट कर पाएंगे बाद में भी उसको, ठीक है। तो वैसे ही आप 12th का डिटेल्स भी लिख देंगे सारा आपका, राइट। तो आपके 12th के डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर देंगे, जिस तरह आपने 10th के लिए किया वैसे यहाँ पे आप अपना जूनियर कॉलेज का नाम लिख देंगे, राइट। बोर्ड आपको सिलेक्ट करना होगा, बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद जो है वो आप अपना, राइट, स्ट्रेंथ का जो मार्क्स रहा होगा अपना हॉल टिकट नंबर, राइट, स्ट्रीम आप सिलेक्ट करेंगे साइंस कॉमर्स या आर्ट जो आपका स्ट्रीम था, और उसके बाद आपको डिवीजन यहाँ पर मेंशन करना है, राइट। मतलब आपका फर्स्ट क्लास था सेकंड क्लास था अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज, परसेंटेज मेंशन करके अगर आपने मैथ्स नहीं लिया है, आप एसपी स्टूडेंट थे तो आप नो करेंगे, और अगर आप मैथ्स स्टूडेंट थे तो आप यस करेंगे। फिर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिख देंगे आपका सेकंड लैंग्वेज और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका क्या था, और वो होने के बाद आप यहाँ पर आपके सेव एंड नेक्स्ट पे जो है वो क्लिक कर देना है, ओके। वो होने के बाद आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। एक बार आपको फिर से खाली वेरीफाई कर देना है उसे, और वो करने के बाद अगेन आप नेक्स्ट पे जो है वो क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करके जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इस तरह से वो अदर डिटेल जो हमने पहले ही फिल कर चुके हैं वो एक बार शो कर रहा है। नेक्स्ट करना है आपको उसके बाद। अब अपलोड्स में आपको फोटो और साइन आपका पहले ही आ जाएगा, उसके बाद आपको अपने आपका 10th का मार्कशीट और 12th का जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसी तरह अपलोड करेंगे जिस तरह आपने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड किया था। वो अपलोड होने के बाद आपको स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करना है। दोनों चीज़ें अपलोड हो जाने के बाद आप जो है वो प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करते होने से ही आपका जो है वो फॉर्म पूरा रेडी हो जाएगा, आपने जो कॉलेज सीख के उसका प्रेफरेंस, राइट, बाकी जो आपके डिटेल्स थे वो सारे डिटेल्स जो है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। और वो होने के बाद नीचे आपको आने के बाद लास्ट में जो है, राइट, वो यहाँ पे आपका सिग्नेचर दिखेगा और आपको ये डिक्लेरेशन आपका के साथ आपका वो कंप्लीट हो जाता है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका ये जो पूरा फॉर्म है वो रेडी हो जाता है, राइट। तो डिक्लेरेशन तक आपका सारा प्रोसेस हो गया। अब ये डिक्लेरेशन में आपको जो है वो ये सारी चीज़ों को जो आपने रिकॉर्ड्स दिया है उसको आप कंफर्म करेंगे, तो आपको टिक मार्क करना है और उसके बाद आपका ये जो डिक्लेरेशन है वो कंप्लीट होगा।
तो सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपका ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप देख पाएंगे दो कॉलेजेस जो है वो आपका एप्लीकेशन स्टेटस आपका जो है वो यहाँ पे सबमिटेड दिखेगा और आप प्रिंट आउट इसका ले सकते हो। तो ये आपका जो है वो रेडी हो जाता है। डाउनलोड हो जाने के बाद आपका फॉर्म जो है वो इस तरह से दिखेगा। आप इसका PDF जो है वो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, और कुछ भी आपको डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप डाउट्स अपने बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है और नोट्स है फर्स्ट ईयर के, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन करने के लिए आपको अपना नाम, क्लास, राइट, फर्स्ट ईयर के हो, और आपका जो लोकेशन है वो आपके व्हाट्सएप पर हमें सेंड कर देना है। आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया जाएगा। थैंक यू।